हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद। भाई काउंटर नीचे रह गया। ओ भाई साहब, सॉरी तो भाई चल रही है। महंगा पिलवा दिया इसने। शूल मुंह पे ऐसे बांध के खींचते हैं गाड़ियों को। पता नहीं यार, चलो देखते हैं जब आए तो। मैं कभी भी गिर सकता हूँ दोस्तों। ओए होए भाई। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो यार आज लेट हो गया उठने में, अभी उठाऊँ जस्ट, अभी मार्केट जा रहा हूँ थोड़ा सामान लेना है। तो भाई मार्केट जाके आ गया हूँ, पसीना भी आ गया, बस अभी पहुँचा हूँ। तो मैं आपको बता दूँ, आज है संडे, तो संडे के हिसाब से मैं जाऊँगा आज भी जिम, क्योंकि आज मेरा कार्डियो है भाई। तो मैं हो गया हूँ तैयार जिम जाने के लिए। और अभी मेरे दोस्त का फ़ोन आया, कह रहा यार मूवी देखने चले। मैंने कहा चल चलते हैं मूवी देखने। उसको ये नहीं पता कि मेरे को जा रहा है जिम, उसको भी जिम लेके चलते हैं। जिम के नीचे ही थिएटर है, तो सेम जगह ही जाएंगे। उसको ये नहीं पता कि मैं ऊपर निकल जाऊँगा उसको लेके। तो चलो, आपको पता है मुझे पता है जिम जाना है, उसको नहीं पता। नीचे ही खड़ा है। भाई काउंटर पीछे रह गया। कह रहा काउंटर पीछे रह गया, टिकट नहीं लेनी। टिकट ले लेते हैं पता है ना। इसको ये नहीं पता ऑनलाइन हो जाती भाई, ऑनलाइन करवा रखी है। क्या ऐसी बातें कर रहा है, अलग ले रहा है। चल तो मूवी दिखाएंगे अब। चल मूवी देखने जा रहे हैं। गदर, गदर ने गदर डाला हुआ है। गदर रे, ओ भाई साहब, गदर देखने आए हम। हेलो, मैंने बोला मूवी देखने जा रहे हैं हम। चीटिंग 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 करता है तू। अब जिम में आ गए। Many minutes later. भाई कैसे लगी मूवी? मूवी बहुत अच्छी थी भाई। मूवी दिखाने के बहाने ना मेरे को जिम दिखाने ले गया था। जिम दिखाने भाई, मैंने तो एक्सरसाइज मारी ना, मेरी एक्सरसाइज रह गई थी कार्डियो। हां तो मतलब ज्यादा नहीं किया मैंने, आधा घंटा किया। मैंने क्या किया? मैंने वैसे उनको सबको बता रखा था, मैं पहले ही बता रखा था कि भाई मूवी देखने गया। मैंने सिर्फ यार कार्डियो करने आया था, आधे पौने घंटे कार्डियो था मेरा। उसके बाद आज है संडे, संडे को भी ओपन रहता है जिम, और तैयारियां वगैरह चल रही थी 15 अगस्त की। तो भाई ठीक है, चलते हैं अब हम गौशाला जाना है भाई। अभी गौशाला निकलते हैं, ठीक है? चलो तो भाइयों, एक्सरसाइज करने के बाद आप आ गए हैं गौशाला। अब यहाँ पे गौ माता की परिक्रमा कर रहे हैं, गौशाला की परिक्रमा कर रहे हैं। सॉरी सफाई चल रही है। जब यहाँ की सफाई करनी होती है तो गौ माता को उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, उधर की होती है तो इधर शिफ्ट कर देते हैं। जय गौ माता। ओ भाई पसीना इतना आ रहा है, और बारिश देखो, मौसम खतरनाक मौसम रखा है भाई। चलो यहाँ पे करके, अगर बारिश भी आएगी ना, एक जगह और जाना है हमने, जो कल का प्लान था है ना, अगर मिल गया तो ही बताएंगे। नहीं तो हम मूवी देखने जाएंगे। हो सकता है, हो सकता है उसके बाद रात को मूवी देखने चले जाए ना। टू आ गई, दो बार टू आ गई, एक तो गदर टू, भाई गदर ने तो गदर मचा रखा है, और एक ओ माय गॉड मूवी है ना। दोनों ही देख लेंगे, दोनों ही देख लेंगे, कोई बात। गदर ने तो भाई सच में गदर मचा रखा है। प्यार है यार इनको, प्यार है। तो भाई गौशाला से हम निकल चुके हैं, चारा वगैरह डाल दिया है। अब हम जा रहे हैं अपनी एक लोकेशन पे, देख रहा हूँ मैं को वहाँ पे ना एक चीज देखी थी, तो देखते हैं अगर मिल गई तो, वरना बेइज्जती हो जाएगी बहुत ज्यादा। अभी हम जा रहे हैं सुखना लेक वाली साइड। भाई अब आ गए 26 सेक्टर, वहाँ पे लगा कहीं लगा ले आगे। भाई हम आए हैं, ये नारियल पानी भी नहीं, भाई का दोस्त है, कह रहा फ्री में पिलाएगा। पूछ रहा भाई से कि ये भी नारियल है, ये भी नारियल है। अब क्या होता है, अब पता लग गया ना फर्क क्या होता है। दे दिए भाई, दे दिए, दे दिए, तेरे दोस्त ने हमें फ्री में नहीं दिया। ओ भाई महंगा पिलवा दिया इसने, महंगा पिला दिया इसने, 40 रुपये का दे रहा भाई। भाई महंगा पिलवा दिया। ये बताओ यार, रोड ही ब्लॉक कर रखा है इन्होंने तो, जाम है। ओ भाई बीच में ना मारियो तू,
अंदर तो जाने नहीं दे रहे, हमने ना यहीं पे लगा दिया बाइक। ओए हां योर टार्जन तोड़ दिया टार्जन। आंटी को पूछता हूं दीदी यहां पे है क्या है। आंटी यहां पे आंटी क्यों जा रहे हैं, यहां पे क्या है? यहाँ पे ना टू व्हीलर ना फोर व्हीलर। यार त्रिशूल पूजा है यार, मेरे को भी नहीं पता त्रिशूल पूजा होती क्या है। मुझे भी नहीं पता भाई। आंटी बता रहे मुंह पे त्रिशूल बांध के खींच रहे हैं गाड़ियाँ, खींच रहे हैं त्रिशूल मुंह पे ऐसे बांध के खींचते हैं गाड़ियों को, पता नहीं यार। चलो देखते हैं जब आए तो देखेंगे। आवाज देख रहे हो कितनी आ रही है आवाज, मेला ही लगा हुआ है पूरा का पूरा भाई। एक्चुअली जो चीज़ देखने आया था ना वो तो मिली नहीं। ओ बस भाई ये तो ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है। ए, खाया भी कुछ नहीं है यार, सिर्फ पिया पिया नारियल पानी। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए हैं सुखना लेक, सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं ना, तो इतनी ज़्यादा उमस है ना, पानी तो ऊपर तक आ गया। उमस के कारण जैसे हम आए थे वैसे हम नीचे जाएंगे। अब यहाँ से हमने जाना है बाइक के पास, इसके बिल्कुल सीधे इतनी दूर बाइक खड़ी हुई है और इसकी शक्ल देखने से लग रहा है चलेगा। और भाई शक्ल दिखाइयो। मैं कभी भी गिर सकता हूँ दोस्तों। अंदर गोल्फ चल रही है, हमारा भाई बता रहा था, कह रहा है ऐसी गेम है एक शॉट तो मार देते हैं, दूसरा शॉट मारने के लिए गाड़ी में जाना पड़ता है यार। गाड़ी में जाना पड़ता है, ये भाई ये जा रहे हो गाड़ी में जा रहे हो। यहाँ तो हवा भी नहीं चल रही, बुरा हाल हो रहा है बहुत ज़्यादा। बारिश आ जाए तो ऐसे करके मैं खड़ा हो जाऊंगा, बारिश ही आएगी, बहुत प्यास लग रही है। ओ भाई हम तो गीले हो गए रे, हमारे तो जूस पीने। बारिश आ गई बहुत जोर से, बहुत ही जोर से बारिश आ गई है। ओ भाई आराम से भाई, बारिश देखी जाएगी अब तो जो हो गया। निकले फिर बारिश में निकलते हैं फिर, है ना। ओए होए भाई, भाई बताया यार धूप भी आ रही है और बारिश भी पड़ रही है, मौसम कैसा सा हो रखे ना। चल भाई चल अब चल। एक चौंक पे बारिश थी, अगले पे हटी गई, यहाँ है ही नहीं, सूखा पड़ा हुआ है। जो किले चौंक भी पूरा हो गया बारिश में हमारा भीगने का, दो मिनट इस चौंक से उस चौक तक। पंजाबी में ना कहावत है मुड़ तुड़ चोटी बोर्ड थले, यहीं से निकले थे, यहीं पे आ गए। यही इस कैमरे की खासियत है भाई, ये कैमरे खासियत है उंगली नहीं मारनी पड़ती है, मैं उधर को फेस करूंगा ना तो उसकी तरफ आ जाएगा, आ गया और मेरी तरफ आएगा। वेट कर रहे हैं आरती का इस कौन में, जैसे ही आरती होती है हम निकलते हैं। तो ठीक है भाई हम निकलते हैं अब यहाँ से इस कौन के लिए, यहाँ पे थोड़ी बहुत रील वगैरह बनाई है, आप चेक कर रहे ना इंस्टाग्राम पे, ये मेरा इंस्टाग्राम का चैनल है, मतलब इंस्टाग्राम का लिंक है, चैनल बोलता हूँ हमेशा, तो इसको फॉलो कर लेना आप इंस्टाग्राम के लिंक को। आज की जो वीडियो बनाई है वो भी देख लेना, इसी में डाल दूंगा मैं। तो भाई फॉलो करो, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार। तो जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलते हैं अब इस्कॉन। हरे कृष्णा। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत रश हो रखा है भक्तों का। मैं तो दर्शन भी नहीं करवा पाया अंदर, क्योंकि भोग लग रहा था भगवान जी को। तो अभी एक और फ्रेंड आया है इस्कॉन, कह रहा हमारे, चलो मैंने कहा भाई अभी मैं करके आ गया दर्शन, तू जल्दी करके आ जा वापस, तो बस निकल ही रहे थे तो उसकी वेट कर रहे हैं। भाई ये वो बंदा है जिसने मेरे को इतने मरने के फायदे बताए हैं ना, इतने मरने के फायदे बताया, आधे घंटे बाद मुझे होश आया था कि अच्छा मैं जिंदा हूँ भाई। खुदा सामने वाला बंदा अगर बुरा मान गया अपने ऊपर ले जाते हैं, अगर हमारे साथ ऐसा हो गया भाई LIC एजेंट है अब तो। तो भाई हम इस्कॉन आए थे, मतलब हम दोनों आए थे, फिर भाई का प्लान बन गया, भाई आया तो प्रसाद दिया, मामू को मैसेज भी आ गया, बड़ी लंबी उम्र है। चलो चलते हैं घर,
15 minutes later. तो भाई घर पहुंच गया हूँ, दोस्तों से भी मिल लिया, इस्कॉन भी दर्शन हो गए, जो काम करने थे सारे कर लिए, थक गया हूँ बहुत ज्यादा, मेरे दोस्त ने मेरे को नीचे छोड़ दिया था। तो ठीक है भाई, दोस्तों के ऐसे प्लान बनते रहते हैं, हमारे फिर प्लान बन रहे हैं और वैसे कैंसिल हो जाते हैं। आज भी प्लान बनाया था कहीं जाने का, अब पता नहीं कब पूरा होगा, हो सो अगर पूरा हो तो वहाँ भी व्लॉगिंग स्टार्ट होगी, चलेगी मतलब, वहाँ पे भी व्लॉगिंग करूँगा मैं। लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और सब्सक्राइब कर लो चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जल्दी डालूंगा व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हरे कृष्णा। जब तक तुम्हारा निकल जाता है ऐसे ही हमारा बढ़ जाता है। चल जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद है और अभी भी है। नहीं। क्या बोलते हैं, क्या क्या डालोगे? हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद।